मोहम्मद आरिफ मर्डर केस सॉल्व, चार लोगों की हुई गिरफ्तारी। हुसैन आलम पुलिस के एक होमगार्ड भी इस कत्ल में शामिल। साउथ जोन डीसीपी गजराव भोपाल, आईपीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर बाबा योगी आदित्यनाथ को हिस्ट्री नहीं मालूम तो पूछ लेना चाहिए। राजस्थान में भी बहुत जल्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी लॉन्च हो जाएगी। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का बयान। एबर्ट्स ट्रैफिक पुलिस ने हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस के सामने गाड़ियों का मुआयना करते हुए होंडा एक्टिवा के 117 चालान पाए। पेट्रोल डीजल पकवान गैस के बाद अब बर्फी शरहों पर हर महीने नजरसानी होगी। कोयला और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद मरकजी हुकूमत का फैसला, सार्फिन को सब्सिडी फराहम करने का रियासतों को इख्तियार। रियासत तेलंगाना में शराब की दुकान का लाइसेंस हासिल करने के लिए लोगों की जानिब से मुतअद्दिद दरख्वास्तें दाखिल की जा रही। महकमे एक्साइज के अहदेदारों के मुताबिक अब तक 6,600 दरख्वास्तें वसूल। साबिक वजीर व बीजेपी हुजूराबाद के रुकन असम्बली इटाला राजेंद्र ने लगाया इल्जाम, कहा टीआरएस हुकूमत ज़मीनी इंतखाबात में अपनी हालिया शिकस्त का बदला लेने के लिए उनके हलकों को हिरासा कर रही। मरकजी हुकूमत ने पोस्टमार्टम के लिए अंग्रेजों के दौर के निजाम में तब्दीली कर दी और अब रात में भी पोस्टमार्टम करने की सहूलत दस्तियाब। मरकज ने मुबल्लिग इस्लाम डॉक्टर जाकिर नायक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पाबंदी में मजीद 5 साल की कर दी तौसी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इसी मौसम में कुदरती आफात से मुतासर किसानों को मुआवजा फराहम करने का किया फैसला। इसके एक हिस्से के तौर पर मंगल को रबी में अपनी जान गंवाने वाले 34,586 किसानों के खातों में कुल 22 करोड़ रुपए कर रहे जमा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।